गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुराग मिश्रा, सोशियोलॉजी टीचर। आज आपको मैप्स एंड ग्लोब वाले चैप्टर, क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट ध्यान दें, ये क्लास फिफ्थ का पहला चैप्टर है। मैप्स एंड ग्लोब के बारे में जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था उसको कंटिन्यू करके इस चैप्टर को यहाँ कम्प्लीट करता हूँ। जैसे मैंने बताया आपको, मैप्स जानने के लिए जो मेन चीज है वो हमको जानना होगा डायरेक्शन। तो यदि हम कहें कि डायरेक्शन हमारे चार तरह के मेन होते हैं, चार मेन डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमने ये समझ लिया कि सबसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस साइड में मतलब हमारे राइट हैंड साइड में, अगर राज्य हम ऐसे पड़े हैं तो राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट। अगर हम मैप बेस इस साइड से खड़े हो तो हमारे वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ईस्ट होगा और राइट हैंड साइड में वेस्ट होगा। तो इसके अलावा हमारे पास फोर सब डायरेक्शन भी होते हैं। मैंने लास्ट में बताया था, एक होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे चार सब डायरेक्शन भी हमारे सामने आ गए, यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। ये डायरेक्शन हमको उस पर्टिकुलर प्लेस या उस जगह के बारे में जानकारी देने के लिए काफी अच्छे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब मान लीजिए हम किसी मैप में किसी डिस्टेंस के बारे में जजमेंट कर रहा हूं, हमको पता है कि हमारे इंडिया का मैप बनाना हो तो हम इतने छोटे मैप बना देंगे, और फिर हम ये कहें कि एक जगह है यहाँ पे, एक जगह है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, यानी ए मान लीजिए कानपुर सपोज, और बी हो गया हमारा गोरखपुर, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो अब इतनी दूरी में तो हम डिस्टेंस को कवर कर नहीं सकते, तो एक स्केल बनाया गया। स्केल का ऐसा पैमाना बनाया गया कि हम ये सच है कि हम यहाँ से स्केल की दूरी ना पाए। सपोज क्या ये दूरी हुई 10 सेंटीमीटर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो एक एक्चुअली पैमाना बनाया गया है स्केल के रूप में कि इतने मैक्सिमम दूरी को मिनिमम दूरी में कैसे जाना है। तो हम यहां से इसकी डिस्टेंस को नाप लें और उस डिस्टेंस को एक्चुअली डिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बात कर रहा हूं, हालांकि कानपुर से गोरखपुर दूरी 600 किलोमीटर के आसपास है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा। तो किसी भी दूरी को नापने के लिए हमारे पास एक एक्चुअली मेजरमेंट होता है जिसे स्केल कहते हैं, उस ग्राउंड डिस्टेंस की एक्चुअली डिस्टेंस को जानने के लिए एक मिनिमम बनाया जाता है जो दूरी, उसे हम लोग तय कर रहे हैं। तो ये जो मैप होता है ये नॉर्मली स्केल के हिसाब से हम तय करते हैं कि कहां पे किसकी दूरी हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब इस मैप को जानने के लिए और एक बेहतर तरीका है, मतलब इसमें और भी सारी कंटेंट है जो आपको बेहतर जानकारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इसके लिए जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू किया। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा रोड पे जाते हुए, या फिर आप अगर रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपके पास एक सिंबल दिखाई देता है, रेलवे लाइन का ऐसे लाइन बना होता है, तो आप समझ जाते हैं सामने जो है रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है। या फिर आपको कहीं ऐसा देखने को मिल जाता है जहां ऐसे पी लिखा होता है, क्रॉस होता है, यानी आप समझ जाते हैं यहां पार्किंग नहीं है, या नो एंट्री जोन के हिसाब से जहां पे लिखा होता है एंट्री के क्रॉस बना होता है। यानी ये सिंबल होते हैं जो हमको ये बता देते हैं कि यहां पे ये काम ऐसे करना है, या यहां पे हमको यहां नहीं जाना है, यहां पे जाने से पहले सावधानी कौन कौन सी बरतनी है। तो ये सिंबल होते हैं जो हमको बताते हैं किस मैप के हिसाब से किसको कैसे जाना है। नॉर्मली कुछ ऐसे सिंबल आपको बता देता हूं, अगर इंटरनेशनल बाउंड्री है तो मैप में आपको रेड कलर का ऐसे डॉट डॉट करने को मिलेगा, यानी वो बाउंड्री इंटरनेशनली टच हुआ है। अगर स्टेट की बाउंड्री है तो सेम वैसे ही होगा, लेकिन वो ग्रीन कलर का, क्योंकि आपको पता है अगर किसी देश से किसी देश का बाउंड्री टच हुआ है तो वहां उस बाउंड्री को बांधा गया है कुछ नियम शर्तों के हिसाब से। किसी भी देश की बाउंड्री को कोई व्यक्ति आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता है, उसके लिए उस पर्टिकुलर देश से परमिशन लेना पड़ता है, इसीलिए मैप में उसको रेड कलर में बनाया गया, क्योंकि
वह सीमाएं कुछ कॉन्फ्लिक्ट या किस नियमों और शर्तों के हिसाब से तय की गई है, अपितु स्टेट की बाउंड्री जो होती है वो ग्रीन कलर की इसलिए बनाई गई है क्योंकि आप आजाद हैं हमारे देश में, अपने देश में आप किसी भी स्टेट में कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि इस समय का जो परिप्रेक्ष्य आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में सरकार ने कुछ नियम कुछ कानून बना कर रखे हैं क्योंकि महामारी पूरे देश में फैली हुई है, इसीलिए आप लोग कहीं ना जाएं ज़्यादा बेहतर है। और अब इस समय वर्तमान समय में आप लोग कहीं मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक सर्कमटेंसेज है, ये एक इमरजेंसी पीरियड है। हालांकि अगर नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए तो आप भारत में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, भारत के अंदर आपको रोकेगा नहीं। ठीक उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट का भी अपना एक बॉर्डर होता है जो भी नॉर्मली ग्रीन कलर से होता है। ऐसे अगर ब्रिज का साइन बना होगा तो ऐसे बना होगा, ये ब्रिज दिखाएगा कि आप सड़क पे आगे बढ़ रहे हैं तो आगे ब्रिज जाने वाला है। ऐसे फॉरेस्ट बना होगा तो फॉरेस्ट का साइन बना होगा ऐसे, या फिर ऐसे रेलवे लाइन बना होगा मतलब रेलवे का साइन ऐसे होता है, रेलवे ट्रैक है आगे, या फिर फोर्ट है तो फोर्ट का साइन बना होगा, टेम्पल है तो टेम्पल का साइन बनेगा ऐसे, कुछ ऐसे ही ये साइन दिखाते हैं कि मैप को अगर आप पढ़ रहे हैं तो किस जगह पे आप खड़े हैं और आपको कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, ये सब तरीके हैं उस पर्टिकुलर प्लेस और जगह को जानने के लिए। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से लाभ उठा के अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी उम्मीद आपसे यही है कि आप घर पे हो, घर पे आप हैं तो इसको देखिए, पढ़िए, जानिए और इससे जानकारी प्राप्त करिए। आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।